चलिए, आज की क्लास में पावर पॉइंट में हम रिहर्स टाइमिंग के बारे में जानेंगे। रिहर्स टाइमिंग थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता भी है। रिहर्स टाइमिंग ये टोटली आपको एनिमेशन के ऊपर लगाना होता है, और इसका सीधा सीधा मतलब है आप एनिमेशन का टाइम सेट कर देते हैं और वो ऑटोमेटिक एनिमेशन बनते रहती है या चलते रहता है। तो रिहर्स टाइमिंग जो है वो स्लाइड शो वाला जो आपका मेन्यू टैब है उसके अंदर दिखाई देता है। यहाँ पर दिख रहा है आपको रिहर्स टाइमिंग, क्लियर है? तो इसको हम अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे बिना रिहर्स टाइमिंग के क्या होता है और विथ रिहर्स टाइमिंग क्या होता है। तो पहले मैं यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट कर लिया हूँ। यहाँ पर हम कुछ एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे मैं क्लिप आर्ट ले लिया और क्लिप आर्ट में हम कोई एनिमेशन लगा देते हैं। ये हमारा क्लिप आर्ट है, इसमें एक एनिमेशन लगा देते हैं। मैं यहाँ पर जानबूझ के दो एरोप्लेन्स ले लिया हूँ ताकि आपको रिहर्स टाइमिंग थोड़ी सी और अच्छे से समझ में आए, क्लियर है? तो दो दो एनिमेशन हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है? और अच्छे से देखना है, एक और ले लो, तीन एरोप्लेन ले लेते हैं और तीनों में हम एनिमेशन लगा लेंगे, क्लियर? पहले ये वाले एरोप्लेन में एनिमेशन लगाते हैं। एनिमेशन कैसे लगाते हैं आपको पता है कि यहाँ पर एनिमेशन में जाएंगे, कस्टम एनिमेशन और एड इफेक्ट मोशन पाथ और ड्रॉ कस्टम पाथ में जाकर के आपको कर्व या लाइन या जो भी लेना है आप ले सकते हो। कर्व जो है वो ज़्यादा अच्छा फ्लो इसका अच्छा दिखता है जब कोई एनिमेशन होता है। तो मैं यहाँ पर कोई एक एनिमेशन लिया और इसको मैंने कैसे कर्व करके ऊपर ले गया और डबल क्लिक कर दिया, ये आपका एक एनिमेशन बना। नेक्स्ट सेकेंड वाले पे एनिमेशन लगाया मैंने, एड इफेक्ट। एनिमेशन लगाना तो सिंपल है, अभी हम पुराना काम ही कर रहे हैं। और यहाँ पर आए हम, चले गए सेकंड वाला एरोप्लेन, वैसे ही थर्ड वाला एरोप्लेन पे एनिमेशन लगाते हैं। ये थर्ड वाला एनिमेशन लगाया मैंने, तो ये थर्ड वाला एरोप्लेन पे एनिमेशन लग गया, तीनों पे एनिमेशन लग गया। अब आपको ध्यान देना है, पहला जो एनिमेशन लगा यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन क्लिक, दूसरे पे क्या लिखा है, ऑन क्लिक, और तीसरे पे क्या लिखा है, ऑन क्लिक। यानी कि जब मैं स्लाइड शो करूंगा तब जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा ये पहला एनिमेशन चालू नहीं होगा। फिर पहला एनिमेशन खत्म होने के बाद वो रुका रहेगा, जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा दूसरा एनिमेशन चालू नहीं होगा। मतलब अगर मैं 1 घंटे तक क्लिक नहीं करता हूँ तो एनिमेशन स्टार्ट ही नहीं होगा। यहाँ पर देखिए मैं रन कर दिया, मैंने कहीं पर क्लिक नहीं किया है, अभी देखिए सेकेंड स्लाइड में आ गए, कहीं पर मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पर एनिमेशन स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्लियर है? अब मैं क्लिक करता हूँ, पहला एनिमेशन हुआ और रुक गया, सेकंड एनिमेशन तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक मैं दोबारा क्लिक नहीं करता हूँ। अब मैं 1 घंटे तक अगर क्लिक नहीं करूंगा तो सेकंड एनिमेशन स्टार्ट ही नहीं होगा। फिर मैंने क्लिक किया सेकंड एनिमेशन, क्लिक किया थर्ड एनिमेशन, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर एनिमेशन को एक्टिव करने के लिए क्लिक का यूज करना पड़ रहा है, क्लियर है? मैं चाहता हूं कि 3 सेकंड के बाद अपने आप ये चालू हो जाए, एक टाइम सेट कर दूं कि पहला एनिमेशन खत्म हो उसके बाद फिर 3 सेकंड के बाद ये चालू हो जाए, 5 सेकंड के बाद ये चालू हो जाए। तो ऐसा करने के लिए मुझे रिहर्स टाइमिंग का यूज करना होता है, ठीक है? तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिहर्स टाइमिंग पे जाएंगे और फर्स्ट टाइम मुझे टाइम देना होता है, फर्स्ट टाइम पे मुझे क्लिक करना होता है, नेक्स्ट टाइम पे वो सेव कर लेता है मैं कितने कितने देर पर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए रिहर्स टाइमिंग पे हम गए तो यहाँ पर देखिए आपका टाइमर चालू हो गया है, ये 3, 4, 5 सेकंड के बाद सेकंड स्लाइड आ गई। यहाँ पर देखिए अब सेकंड स्लाइड की टाइमिंग चालू हो गई, फिर 5 सेकंड के बाद पहला एनिमेशन, फिर 9 सेकंड के बाद दूसरा एनिमेशन, और फिर ये 20 होने पर तीसरा एनिमेशन, देन ये 25 होने पर बंद। ये बोल रहा है कि आपने जो अभी रिहर्सल की है या फिर जो भी चीज प्ले किया उसको उसने रिकॉर्ड कर लिया है 26 सेकंड के लिए। एक्टिविटी की है उसकी टाइम जो है रिकॉर्ड कर लिया गया है रिहर्स टाइमिंग से। नेक्स्ट टाइम जब मैं प्ले करूंगा ना या इसको रन करूंगा करने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो पर देखिए मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक उसने टाइम पर जो टाइम उसने रिकॉर्ड हुआ था उस टाइम पर प्ले होते जाएगा। टाइम सेट कर देते हैं, एक बार क्लिक करते हैं और एक बार पूरा प्ले कर देते हैं, हम रिहर्सल कर लेते हैं, उस टाइम को वो रिकॉर्ड
करने के बाद उस टाइम पर अपने सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है सर, वंस अगेन एक्सप्लेन।